सरहुल कब और क्यों मनाया जाता है, क्यों कहते हैं इसे सखुआ के फूलों की क्रांति, क्या है इसकी मान्यता। आदिवासियों का सबसे प्रमुख पर्व है सरहुल। इस पर्व के साथ ही फसलों की कटाई शुरू होती है। सरहुल से ही आदिवासियों का नव वर्ष शुरू होता है। चैत्र में मनाए जाने वाला सरहुल दो शब्दों से मिलकर बना है। सर और हुल के मिलन से सरहुल बना है। सर का अर्थ होता है सरई यानी सखुआ, साल का पेड़ के फूल फल। वही हुल का अर्थ है क्रांति। दोनों जब मिलता है तो बनता है सरहुल। इस तरह सखुआ के फूलों की क्रांति को सरहुल कहा जाता है। आदिवासियों का सबसे प्रमुख पर्व झारखंड में बड़े जोर शोर से और धूमधाम से मनाया जाता है। झारखंड के साथ साथ यह पर्व पड़ोसी राज्यों ओडिशा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है। सरहुल पर प्रकृति की पूजा की परंपरा के साथ साथ नृत्य का भी प्रचलन है। सरहुल मुख्यतः फूलों का त्यौहार है। पतझड़ के बाद पेड़ों की टहनियां पर नए नए पत्ते एवं फूल खिलते हैं। साल के पेड़ों पर खिलने वाले फूलों का सरहुल में विशेष महत्व होता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को शुरू होने वाला यह प्राकृतिक पर्व चार दिनों तक यानी चैत्र पूर्णिमा के दिन तक चलता है। गांव में अलग अलग दिन मनाते हैं सरहुल। सरहुल का त्यौहार अलग अलग गांव में अलग अलग समय पर मनाया जाता है। मुख्य त्यौहार इन चार दिनों तक चलता है, लेकिन गांव में एक महीने तक यह पर्व चलता है। लोग अखाड़ा में नाचते गाते हैं और परंपरा के अनुसार इस त्यौहार पर पूजा अर्चना भी करते हैं। वही सरहुल के चार दिन क्या क्या होता है की बात करें तो आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व सरहुल चार दिन तक मनाया जाता है। अलग अलग दिन अलग अलग परंपरा है, उसका पालन सभी लोग करते हैं। पहले दिन की बात करें तो सरहुल के पहले दिन मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। दूसरे दिन की बात करें तो सरहुल के दूसरे दिन उपवास रखा जाता है और गांव का पुजारी गांव की हर घर की छत पर साल के फूल रखता है। वही तीसरे दिन की बात करें तो सरहुल के तीसरे दिन गांव का पहान सरना स्थल पर सरई के फूलों की पूजा की जाती है। पहान उपवास रखता है। इसी दिन पहान के द्वारा मुर्गी की बलि दी जाती है। चावल और बलि की मुर्गी का मांस मिलाकर खिचड़ी बनाई जाती है, जिसे सूड़ी कहते हैं। पूरे गांव में प्रसाद के रूप में इसका वितरण किया जाता है। वही पूजा के चौथे दिन गिड़िवा नामक स्थान पर सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है। इसी तरह से झारखंड की और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।